तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं अनपिवट के बारे में। अभी अचानक से अनपिवट का टॉपिक क्यों मैं बोल रहा हूँ तो इस चीज के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अभी हमने पिवट टेबल के बारे में बहुत सारा डेटा पढ़ा है। जब पिवट टेबल का उल्टा क्या होगा? अनपिवट होगा ना। अनपिवट क्या है? तो सबसे पहले जो फीचर मैं यूज करने जा रहा हूँ, ये फीचर 2013 तक मैं वीवीए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करता था, बट 2016 ऑफिस 365 और आपका एक ऑफिस 2019 में एक नया फीचर आया है पावर क्यूरी। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो हमारा ऑप्शंस होने वाले हैं पावर क्यूरी जैसे जीओ पे होने वाले हैं, तो एक बार थोड़ा सा उसका देख लीजिए कि आखिर क्या होता है। जैसे कि आपके सामने में एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में या एक पिवट फॉर्मेट में या एक समरी फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है, राइट? अब मुझे इसको डेटा फॉर्मेट में चाहिए क्योंकि इस पे मैं कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पा रहा। ऐसा हो सकता है कि ऐसे डेट वाइज भी डेटा हो, तो ट्रांसपोज की तरह मुझे करना है कि मैं यहाँ पे लिखूं नेम, मैं लिखूं मंथ और मैं लिखूं यहाँ पे सेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे या मंद को उठाया और इसको पेस्ट किया, कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। अब इसमें जैसे ब्लैंक है तो ये नहीं आना चाहिए, यहां आपका ये है तो ये नहीं आना चाहिए। समझ में आया? ये तो एक महीने को ही, ऐसे आगे बाकी मंथ का भी डेटा मुझे लेके आना है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्योंकि प्रॉब्लम को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। राम जी, पुनीत जी, जी सर, आया कि प्रॉब्लम क्या है? नहीं मैं नहीं समझा अभी। नहीं समझे? मेरे पास इस तरह का डेटा है, मुझे इसको एक अलग सीट पे, तो अलग सीट पे क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे नेम, यहां लिखेंगे मंथ, यहां लिखेंगे सेल। तो हम सबसे पहले नाम को कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मंथ कौन सा मंथ का, ये सेल्स को उठाएंगे, सेल्स वाले को कॉपी किया और सेल्स वाले में डाल दिया। ठीक है, और एक जनवरी, सॉरी, एक जनवरी मंथ का डेटा था तो यहाँ पे जैन। फिर हम यहाँ पे आएंगे, हम फिर से नेम को, इसमें इसमें ब्लैंक भी था, मतलब कि जिसमें डेटा नहीं था फालतू में डेटा क्यों रखेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, फिर यहाँ से हम फरवरी को उठाएंगे, फरवरी को यहाँ पेस्ट करते हैं। फिर मैं नेम को उठाऊंगा, पूरा नेम को उठाया पेस्ट किया। फिर सेल्स को उठाया, फरवरी के सेल्स को कॉपी किया, फिर इसको पेस्ट किया। आप समझ में आया? जी आया सर। सबको समझ में आ गया? जी सर। चलिए, तो अब ऐसे मैनुअली, अरे चलो 12 महीने का था, हो सकता है मैं भी डेट वाइज हो, 3 महीने 4 महीने, साल भर का 365 कॉलम का, या प्रोडक्ट वाइज हो सकता है 10-12 हज़ार कॉलम का प्रोडक्ट। तो एक एक को कॉपी करना मुश्किल है ना, मुश्किल। तो ऐसा सिस्टम हो कि एक बार में हो जाए, राइट? कैसे करेंगे? हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा मेनू बार में, गेट डेटा, और यहां फ्रॉम अदर सोर्सेज, और यहां पे टेबल रेंज, फ्रॉम टेबल रेंज, ये दिख जाएगा। ओके करते ही आपको यहाँ पावर क्यूरी खुल के आ जाएगा। जी हाँ, पावर क्यूरी। अब पावर क्यूरी में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका नेम वाला मंथ है इसको छोड़ के बाकी जितने भी मंथ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जाइए जो ऊपर देखिए, आपको ट्रांसपोज दिखेगा, ट्रांसपोज दिखा ना सर? देख रहा है सर।
इसी में आपको देखिए क्या लिखा हुआ, अनपिवट कॉलम्स दिख रहा है। ठीक हो गया, यहां जहां एट्रीब्यूट दिख रहा है इसके जगह पे आप चेंज करके मंथ कर दीजिए, जहां वैल्यू दिख रहा है उसके जगह पे चेंज कर दीजिए। जब फाइनल हो जाए तो फिर यहां पे आप होम पे आइए, लोड एंड क्लोज, एक नई सीट में आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हो गया सर, इसको बोलते हैं फंटास्टिक एक्सेल ट्रिक्स। सर ये, सर ये पावर क्वेरी के ऑप्शन 16 के बाद के वर्शन में होगा ना? 16 से 13 में भी आई थिंक है सर। ओहो ठीक, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं, बट मे बी 13 में होना चाहिए, नहीं तो इसका पैकेज डाउनलोड किया जा सकता है, आप माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी सर्च करेंगे तो सेटिंग मिल सकता है इसका। मैंने सर ट्राई किया था वो, उसको कि प्रोडक्ट की वगैरह मांग रहा है अभी। हाँ तो सर परचेज करना होता है उसको, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है, समझे? आगे सर, तो अब बात होता है यहाँ पे कि इसका बेनिफिट क्या है। हमने तो बता दिया ट्रिक्स था, फंटास्टिक लगा, बट हाउ कैन यूज इट। मैंने कुछ देर पहले इसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है। आप पूछेंगे कैसे यूज किया आपने, क्या? तो मैंने एक डेटा डाउनलोड किया है कॉन्टेक्ट का, अपने मोबाइल फोन का पूरा डेटा डाउनलोड किया, मेरे पास इसके यहाँ पे नंबर्स डले हैं, ठीक है सर। अब मुझे 3604 नंबर्स हैं, मुझे इन नंबर्स पे मेल एसएमएस करने हैं, मुझे अपने एसएमएस वाले सॉफ्टवेयर में इसको लोड करना है। बट प्रॉब्लम है कि हम ये नंबर एक ही सेल में दो दो नंबर डले हैं, यहाँ देखिए दिया सर, दो नंबर दिख रहा है आपको सर, कोई नंबर तो आपस में रिपीट भी कर रहा है। तो हम कैसे करें, क्या करें जो नंबर एक के नीचे एक आ जाए और डुप्लीकेट को भी रिमूव कर दूंगा। इस डेटा को क्लीन करते हैं आपके सामने। मैंने इसको कॉपी किया, न्यू किया और पेस्ट कर दिया। सबसे पहले तो इसके आएगा प्लस हटाना है, नंबर जो प्लस लगा हुआ है प्लस हटा देना। तो उसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एच कीजिए यहाँ पे प्लस को ब्लैंक से रिप्लेस कर दीजिए। सर आप बोलेंगे सर इसमें नंबर में स्पेस भी लगा हुआ है, दिख रहा है ना सर, स्पेस लगा हुआ है, स्पेस को भी हटा दीजिए। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस मेथड से मैं स्पेस को नंबर जो है ना कॉमा लगने के कारण बड़ा नंबर दिख जाएगा, सो ऐसा नहीं कर सकता मैं। लेकिन हटाना तो है स्पेस, तभी तो हमारा नंबर रीड होगा सर। तो उसके लिए हम फॉर्मूले की मदद लेंगे, हम लेंगे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। उसको सिलेक्ट किया, बोला कि इसको ब्लैंक से रिमूव कर, ठीक है, इसको कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर दिया। अलग अलग कॉलम में करने के लिए जाहिर सी बात है और झमेले क्यों पाले, हम सिंपल सा टेक्स्ट टू कॉलम कर लेते हैं। यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, हमने बोला कि कॉमा के भी आप से अलग कर दो, क्योंकि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कॉमा ही सेपरेटर है ना। प्रॉब्लम यहां पर आई, अब हुआ करती कि ये जो है चार कॉलम्स में हो गया, आ गया ई कॉलम में, देखिए 8 है, एफ कॉलम में भी है, जी कॉलम में नहीं है, एच में भी नहीं है, आई में नहीं है, मतलब एफ कॉलम तक हमारा डेटा है। अब ये अलग अलग कॉलम में है, लेकिन मुझे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे चाहिए। तो एफ कॉलम तक मैं सबसे पहले तो फोन नंबर्स को रख दिया और यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया और ऐसे डमी नेम चाहे मंथ कुछ दे दीजिए, एक चाहिए, एक चाहिए जिसको जिसके अकॉर्डिंग वो अनपिवट करेगा, सिंपल। और इसमें ब्लैंक्स भी बहुत सारे हैं ना, तो ब्लैंक्स भी हट जाए। इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद डेटा में सेम फ्रॉम टेबल रेंज एंड ओके।
अब यहाँ पे आप जो है एक कॉलम को छोड़ दीजिए जिसको आपने ऐड किया है, बाकी कॉलम को शिफ्ट और की से सेलेक्ट कर लीजिए और यहीं पे आपको ट्रांसपोज में दिखेगा अनपिवट कॉलम, अनपिवट कॉलम दिख गया सर यहाँ पे। अब इसको सिंपल सा लोड एंड क्लोज कर दीजिए, एक अलग शीट पे आपके पास आ जाएगा टेबल। बाद में मैंने इसको यहाँ क्वेरी में गया, इसको मैंने कर दिया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। डुप्लीकेट बहुत हो सकते हैं, आप हाईलाइट करके देख सकते हैं कि इसमें डुप्लीकेट बहुत सारे हैं, है ना। डुप्लीकेट हटाने के लिए यहाँ डेटा मेनू बार में ये देखिए रिमूव डुप्लीकेट होता है टेक्स्ट कॉलम के बगल में, देखिए 22 से 24 नंबर डुप्लीकेट थे, 1633 यूनिक है। समझ गया सर, बट वही है कि ये इस तरह का क्यों आ रहा है, नंबर फॉर्मेट में क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप जो है वही सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला जो मैंने बनाया था वो फॉर्मूले को लगा दीजिए और कुछ नोट कीजिए सिंपल सर, इग्नोर घुमा में सारे नंबर जो है आपके यूज करना चाहते हो हाँ यूज कर लो। तो पिवट टेबल सब्स्टिट्यूट से क्या हटाया हमने, कुछ नहीं हटाया, ऐसे ब्लैंक ब्लैंक कर दिया। जैसे भी ये नंबर फॉर्मेट में है ना, तो एक्सेल में क्या है कि 12 डिजिट का नंबर नहीं दिखता है ना सर जी। अगर ऐसा है तो कस्टम फॉर्मेटिंग के मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे हैश लगा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। हाँ हैश लगा के ठीक है जी जी ये थी हमारी अनपिवट कॉलम। तो यूट्यूब देखा किस तरीके से मैंने अभी ऑनलाइन क्लासेस में चीजें समझाई है, ऐसे चीजें आप भी समझ सकते हैं, आप भी मेरे साथ क्लासेस ले सकते हैं। यूट्यूब पे तो मैंने 5000 से ऊपर वीडियोज अपलोड किए हुए हैं जिसको आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारा उस पर प्यार दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की एक क्वेश्चन थी कि सर वीडियो को सिक्वेंसली नहीं मिल पाता है, वीडियो एक मैंने ये स्टेप बाय स्टेप या फिर एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर ऐसी वीडियो नहीं मिल पाता, तो उनके लिए मैंने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जी हाँ, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, आप लिंक के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मेरा मोबाइल ऐप मिल जाएगा। तो उस मोबाइल ऐप के अंदर में आपको चैट सेक्शन जहां से आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो फ्री में आपको वहां पे वीडियो मटेरियल्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे ट्रिकी वीडियो मिलेंगे और साथ में आपको मिलेगा स्टोर सेक्शन में मेरे सीक्वेंसली क्वेश्चंस, जी है सीक्वेंसली क्लासेस की वीडियोज। अगर एक्सेल की बात करें तो 115 वीडियोज है 70 घंटे की, पावर वे की बात करें 30 घंटे की 56 वीडियोज है, अगर हम एमएस एक्स कंप्लीट कोर्स की बात करें तो इसमें 150 घंटे की करीब 290 वीडियोज है, टैली की भी वीडियोज इसमें है, पीवी प्रोग्रामिंग की वीडियो है। तो आप इसमें इंडिविजुअल इसको परचेज करके इसको एक्टिवेट करके अपने मोबाइल फोन पे अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको परचेज कर रहे हैं, डेली इसको परचेज कर रहे हैं, डेली ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, आप भी कीजिए। और जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आती है और फटाक से चैट सेक्शन में जाइए अपने प्रॉब्लम को डाल दीजिए, अगर टाइप करके डाल दीजिए या फिर उसकी फोटो स्क्रीन शॉट लेके डाल दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो चैट सेक्शंस फ्री, स्टडी वीडियो मटेरियल आपके लिए फ्री है, बस स्टोर के अंदर में आपको कुछ इनिशियल अमाउंट पे करना पड़ेगा सीक्वेंस वीडियोज के लिए। तो फटाफट मेरे वीडियोज को मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए नीचे लिंक से, या फिर यूट्यूब पे इस पे प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग अगर प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं तो वहां पे भी आ जाएगी, अगर लिंक आपको नहीं ढूंढ पाते हैं। तो कैसा दिखता है मेरा ऐप के लिए बताता हूँ, प्ले स्टोर पे गूगल प्ले स्टोर आप खोलते हैं, गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च में जाइए और सर्च में आप टाइप कीजिए एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। जी हाँ एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सबसे टॉप वीडियो जो है ये देखिए मेरा आईपीटी का सबसे टॉप पे वीडियो मिलेगा अच्छे रेटिंग के साथ। जी हाँ, तो फटाफट आप उसको अच्छे अपने ढंग से फाइव रेटिंग है और अपने हिसाब से इसको देखिए समझिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, कोर्सेज चलाइए, कोर्सेज को बाय कीजिए।
और इसी तरह से यूट्यूब मुझे प्यार देते रहे। थैंक यू।